हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे पीरियड डिले होना यानी कि माहवारी समय पर ना आना। हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि पीरियड की जो एक्सपेक्टेड डेट है उस समय पे पीरियड नहीं आया, कई बार 15 से 20 दिन भी ऊपर दिन चढ़ गए और प्रेगनेंसी नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। कोई भी तनाव, कोई भी स्ट्रेस लाइफ का आपका पीरियड डिले कर सकता है। तनाव किस फॉर्म में हो सकता है, या तो आपकी लाइफ इवेंट कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ ऑपरेशन हुआ हो, या फिर आपको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि हम सभी ने सुना होगा कि जब 10th या 12th के एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत सारी बच्चियों के पीरियड डिले हो जाते हैं। तनाव का एक दूसरा फॉर्म है कि आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी पीरियड डिले हो सकता है। अगर वजन बहुत ज़्यादा घट या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तब भी पीरियड डिले हो सकते हैं। कुछ बहुत फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती हैं जिनमें पीरियड डिले हो जाते हैं, जैसे कि अगर बच्चों को दूध पिला रहे हैं, माहवारी शुरू हुए कम समय हुआ है तो इनिशियल 3 साल में बच्चों में माहवारी रुक रुक कर या डिले होकर आती है। माहवारी जाने वाली स्थिति हो, जैसे कि 40 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, तब भी कई बार पीरियड डिले होकर आने शुरू हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें दवाइयाँ पीरियड डिले कर देती हैं। इसमें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कुछ मानसिक स्थिति के लिए चल रही हैं, या आप कोई हार्मोनल पिल्स खा रहे हो प्रेगनेंसी रोकने के लिए, जो आप लंबे समय तक 21 दिन की बजाय 35 या 40 दिन तक ले रहे हो। जब भी पीरियड डिले होता है बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट करें, स्पेशली कि अगर हम सेक्सुअली एक्टिव हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव है तो आपके डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन नामक दवा देंगे जो 5 से 7 दिन के लिए दी जाती है, और ये बंद करने के 3 से 10 दिन के अंदर पीरियड आता है। अगर आपके साथ 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ है कि पीरियड डिले हुआ है, तब आपको इससे ज़्यादा कुछ भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है कि पीरियड चढ़ चढ़ कर आ रहा है, तब आपको थायराइड, प्रोलैक्टिन और सोनोग्राफी की आवश्यकता है, क्योंकि थायराइड और प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम अपने आप में पीरियड की प्रॉब्लम कर सकती हैं, और इनके ट्रीटमेंट से पीरियड का पैटर्न नॉर्मल हो जाता है। सोनोग्राफी क्यों, हम सभी को पता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में, जिसमें पीरियड डिले होकर आते हैं, उसकी डायग्नोसिस के लिए हमें सोनोग्राफी की आवश्यकता है। लास्ट में हम आएंगे नॉर्मल पीरियड क्या होते हैं। नॉर्मल पीरियड 24 से 35 दिन के बीच में होते हैं, यानी कि अगर आपकी साइकिल 24 दिन से 35 दिन के बीच में फिक्स है, सपोज़ आपका एक बार पीरियड 1 जुलाई को आया, अगली बार आपका हर बार 5 दिन ऊपर होके आ जाता है, तो ये नॉर्मल पैटर्न माना जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का पीरियड 30 दिन में आए। थैंक यू। आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स पर पूछें।